बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 नाइन्थ क्लास की तैयारी के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया है, उस स्मार्ट सिलेबस से तैयारी करने के लिए एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज हर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक स्मार्ट सिलेबस के अंदर मेंशन है वो टॉपिक आपको बताएंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को जिस तरीके से हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो A+ ग्रेड जो है वो कहीं पर भी नहीं गया। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, स्मार्ट सिलेबस में से भी उन क्वेश्चंस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको इस तरीके से आपके सामने रखा जाएगा। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का जो स्मार्ट सिलेबस है इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि चैप्टर 1 में से सिर्फ 27 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये कर लें तो आपका जो केमिस्ट्री का सेक्शन 1 होता है बोर्ड के पेपर में, उस सेक्शन 1 में चैप्टर 1, 2 और 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के सेक्शन A जो है वो पेपर का बनेगा। इन 3 चैप्टर में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो आज हम आपको चैप्टर 1 के वो शॉर्ट क्वेश्चंस बताएंगे कि जो इम्तिहान में आ सकते हैं। तो इस चैप्टर 1 के अंदर टोटल 27 डेफिनेशंस हैं। इन 27 डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। वो डेफिनेशंस कौन सी हैं? नंबर 1 मैटर, नंबर 2 सब्सटेंस, नंबर 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट नंबर 5 का डेफिनेशन है वो है एलिमेंट, नंबर 6 जो डेफिनेशन है वो है कंपाउंड, नंबर 7 पे आ जाता है मिक्सचर, नंबर 8 पे आ जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, और नंबर 9 पे आ जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर नंबर 10 पे जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है एटॉमिक नंबर, नंबर 11 पे हमारे पास डेफिनेशन है एटॉमिक मास या मास नंबर, नंबर 12 पे हमारे पास डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास, नंबर 13 पे है डेफिनेशन एटॉमिक। मैस यूनिट और नंबर 14 पे डेफिनेशन है एम्पिरिकल फार्मूला। नंबर 15 पे है मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट नंबर 16 पर है हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस। नंबर 17 फार्मूला मैस। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी 1 से 17 तक। 10 और डेफिनेशन हैं। ये 10 डेफिनेशन जो हैं वो जब हम याद करेंगे तो टोटल हमारे पास 27 डेफिनेशन जो हैं वो इस चैप्टर की हमें याद हो जाएंगी। इन 27 डेफिनेशन में से ही आपको बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 18 मॉलिक्यूल। नंबर 19 पे है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर 20 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 21 पर है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 22 पे है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और 23 पे आ जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। 24 पे आ जाता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। के बाद आ जाता है एवोगैड्रोज नंबर। नंबर 26 पे आ जाएगा मोल और 27 पे आ जाएगा मोलर मैस। तो ये चैप्टर 1 का जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें ये 27 डेफिनेशंस है। इन 27 डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर इनमें से किसी भी डेफिनेशन को आप समझना चाहते हैं, उसके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो उस लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस टॉपिक को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये थे हमारे पास चैप्टर 1 के टॉपिक्स जिनमें से जो जो डेफिनेशन पेपर में आ सकती हैं वो मैंने आपके सामने ये 27 डेफिनेशन जो है वो राइट की। इसके अलावा चैप्टर 1 में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं 1.1 से लेकर 1.7 तक। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। एग्जाम्पल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6 और 1.7 ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती हैं। अगर ये एग्जांपल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आती है तो उसके 2 मार्क्स होंगे, और अगर ये आपको लॉन्ग में आती है तो इसके 4 मार्क्स होंगे। तो ये बहुत ईजी 7 एग्जाम्पल्स हैं जिनको भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, और इन एग्जाम्पल्स के जो लेक्चर्स हैं जिनमें इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया गया है उसके लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके इन एग्जाम्पल्स को भी समझ सकते हैं। इसके बाद जो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में से MCQs हैं आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर, एक्सरसाइज में जितने भी MCQs हैं वो सब के सब जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जो टॉपिक स्मार्ट सिलेबस से हैं उनसे रिलेटेड जो MCQs हैं वो सिलेबस में होंगे। वो कौन कौन से MCQs हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। MCQ नंबर 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12, 13 तो चैप्टर 1 में से ये वाले MCQs जो हैं वो आपने इम्तिहान के लिए प्रिपेयर करने हैं, और इन MCQs के जो आंसर्स हैं उनका लिंक भी, इन MCQs को जहाँ पर समझाया गया जिस लेक्चर में उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन MCQs में जो करेक्ट आंसर है वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 and 19 ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2, 3 है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उनमें से आपको पेपर में, बोर्ड के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी नहीं है, 10, 11, 12, 13 नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है और 19। इन शॉर्ट क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ सकता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज होमोजीनस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमने जो स्टार्ट पे 27 डेफिनेशन राइट की हैं उनमें ये क्वेश्चन जो वो मौजूद है होमोजीनस मिक्सचर का भी और हेट्रोजीनस मिक्सचर का भी। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहा गया व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास और हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसकी डेफिनेशन भी जो क्वेश्चन हमने 27 डेफिनेशन राइट की हैं उनमें मौजूद है। अब इसके साथ जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ है हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्राम, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को राइट करके उसके बाद आपने ये लिख देना है 1 AMU। 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 24 ग्राम। तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपने डिफाइन करना है रिलेटिव एटॉमिक मास को और उसके नीचे ये रिलेशनशिप राइट कर देनी है कि 1 AMU में कितने ग्राम मौजूद होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल, ये भी जो 27 डेफिनेशंस है उनमें मौजूद है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें पूछ रहा है स्टेट 3 रीजंस बताएं वाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर आर कंपाउंड। 3 रीजंस बताएं जिससे ये बात मालूम हो कि एयर जो है वो एक मिक्सचर है और वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको किस तरीके से उसका आंसर देना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैप्टर में कंपाउंड और मिक्सर का डिफरेंस वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपने याद किया होगा। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कंपाउंड की उनको आपने वाटर के साथ रिलेट कर देना है क्योंकि वाटर कंपाउंड है, और जो प्रॉपर्टीज मिक्सर की बताई गई हैं उनको आपने एयर के साथ रिलेट कर देना है क्योंकि एयर जो है वो एक मिक्सर है। जैसे आप उसको किस तरीके के साथ रिलेट करेंगे, जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई ये प्रॉपर्टी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, कि कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर लूज देयर आइडेंटिटी, और एयर मिक्सचर क्यों है बिकॉज एयर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एयर है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी शो होती रहती है, वो प्रॉपर्टी उसकी खत्म नहीं होती। इसके बाद आप बता सकते हैं कि वाटर जो है उसके अंदर बिकॉज वाटर कंपाउंड क्यों है बिकॉज वाटर हैज फिक्स कंपोजिशन बाय मास। एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज एयर डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, और वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला वेयर एज एयर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। तो ये 3 रीजंस हो जाएंगे जो आपने कंपाउंड और मिक्सर के डिफरेंस के टॉपिक में 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं। उन 7 प्रॉपर्टीज में से कोई सी 3 प्रॉपर्टीज को आपने एक्सप्लेन करना है वाटर और एयर के साथ रिलेट करके। इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एलिमेंट्स वेयर एज वाटर एज अ कंपाउंड। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों एलिमेंट कंसीडर किया जाता है जबकि वाटर को कंपाउंड कंसीडर क्यों किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो डेफिनेशन है हमारे पास एलिमेंट की, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, तो हम इसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स बिकॉज दीज आर द सब्सटेंस दैट हैव सेम एटॉमिक दैट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। तो जो डेफिनेशन है एलिमेंट की उसको रिलेट कर देंगे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। और वाटर क्यों कंपाउंड है बिकॉज वाटर जो है उसके अंदर वो कैसे बनता है, वाटर इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या वाटर इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो इस वजह से वाटर एक कंपाउंड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। इसको भी किस तरीके से हमने आपको बताया है कि एयर और वाटर को किस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है एज मिक्सचर एंड कंपाउंड, इसी तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक को एज मिक्सचर रिलेट, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को जब सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेट करेंगे तो उससे हम एक्सप्लेन कर देंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है और वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सर। बताना यह है कि इनमें कंपाउंड कौन है, एलिमेंट कौन है और मिक्सर कौन है। तो जो फर्स्ट है उसमें है हीलियम He और H2, तो इसमें He जो है वो एलिमेंट है जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम है तो ये एक कंपाउंड है। CO और CO एक ये CO है और एक ये CO है, ये CO जिसमें स्मॉल है ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट एक एलिमेंट है, और ये CO जिसके साथ ऑक्सीजन कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक कंपाउंड है। वाटर एंड मिल्क, वाटर कंपाउंड है, मिल्क मिक्सर है। गोल्ड एंड ब्रास, गोल्ड एलिमेंट है, ब्रास मिक्सर है। आयरन एंड स्टील, आयरन एलिमेंट है जबकि स्टील एक मिक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट व्हाई इज इट नीडेड। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन भी 27 डेफिनेशन में मौजूद है। नेक्स्ट इसको क्वेश्चन को एक्सटेंड किया गया है व्हाई इज इट नीडेड, तो उसको डिफाइन करके हम नीचे लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट इज नीडेड टू कंपेयर इट विथ टू कंपेयर इट्स मास के एलिमेंट्स का जो मास है उसको कंपेयर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में डिफरेंशिएट करें। इनकी डेफिनेशन जो है वो भी उन 27 डेफिनेशन में मौजूद है और ये नीचे कुछ नेम्स राइट है, इनमें से हमने अलग अलग करना है, इनमें से किस किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो आप ये याद रखें कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए फार्मूला यूनिट होता है, ठीक है, और जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो NaCl और Ki जितने आयनिक कंपाउंड्स हैं वो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, उनका फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज किया जाता है। तो H2O और H2SO4 ये जो हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है वाई Which one has more atoms? बताना यह है किसके एटम्स की तादाद ज्यादा है। 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 10 ग्राम ऑफ आयरन, 10 ग्राम एल्यूमिनियम और 10 ग्राम आयरन के हों तो किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो आपने ये राइट करना है एटॉमिक मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम तो मास इन ग्राम क्या हो जाएगा, मास कितना है 10 दिया हुआ गिवन है, एटॉमिक मास 27 होता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। इस तरीके से आयरन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। आंसर कैलकुलेट करने के बाद जिसका आंसर बड़ा होगा हम बता देंगे कि इसके नंबर ऑफ एटम जो है वो ज्यादा है। बाकी इसका तरीका ये है कि जिसका एटॉमिक मास कम होता है, जिसका एटॉमिक मास कम होता है उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, जिसका फार्मूला मास कम होता है उसके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ज्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 16 में पूछ रहा है कि मोर मॉलिक्यूल्स किसके हैं, तो 9 ग्राम वाटर के हैं, 9 ग्राम शुगर के हैं। तो फार्मूला यही यूज करना है एटॉमिक मास की जगह पर मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इसका शॉर्टकट वे क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कम होता है स्क्रोज शुगर के मॉलिक्यूलर मास से, इसलिए वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि फार्मूला यूनिट किसके ज्यादा है, 1 ग्राम NaCl के या 1 ग्राम KCl के। तो NaCl का जो फार्मूला मास है वो KCl से कम होता है, तो क्योंकि उसका फार्मूला मास कम है इसलिए इसके अंदर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ज्यादा होंगे। इसके बाद जो है वो आ जाता है हमारे पास इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है नंबर 1, 2 और 4 और न्यूमेरिकल जो हैं इस चैप्टर के वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल जो हैं वो मौजूद है। 1, 3, 4, 6, 7, 9 ये 6 न्यूमेरिकल जो हैं ये स्मार्ट सिलेबस में है चैप्टर 1 में से। इन न्यूमेरिकल्स का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इन न्यूमेरिकल्स को भी समझ सकते हैं। तो ये था हमारा स्मार्ट सीरीज के जो लेक्चर्स हैं उनका फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में से स्मार्ट सिलेबस में से जो जो टॉपिक्स या वो इंक्लूड है वो हमने इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो के अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किए। और एंड पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ ऐसे बच्चों के लिए कि जो ज़्यादा टाइम स्टडी को नहीं देते लेकिन वो मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वो फर्स्ट 27 डेफिनेशन जो हैं उनको इस चैप्टर में से अच्छे तरीके से याद कर लें और MCQ नंबर जो MCQs एक्सरसाइज के जो मेंशन है कौन कौन से करने हैं उनको वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। लॉन्ग क्वेश्चन का A पार्ट चैप्टर 1 में से होगा। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आपने एक तो कंपाउंड और मिक्सर का डिफरेंस ये अच्छे तरीके से याद करना है। उसके अलावा डिफाइन एलिमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट की डेफिनेशन। और एक मोल का क्वेश्चन है, मोल के साथ उसके एग्जांपल्स को भी याद करना जरूरी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मोल के साथ उसकी एग्जांपल्स या वो मेंशन करना जरूरी होंगी। अगर आप एग्जांपल देते हैं तो फिर आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज ओनली 2 मार्क्स या वो आपको मिलेंगे अगर आप एग्जांपल्स लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मोल के साथ मेंशन नहीं करते। तो बहुत सिंपल सा है कि चैप्टर 1 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आना है पेपर में। 3 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है सिलेबस में, उन 3 में से ही एक आना है, क्योंकि बहुत बड़ी गेम नहीं है। इन 27 डेफिनेशंस में से आपको 3 शॉर्ट आने हैं और इन 3 लॉन्ग में से आपको एक लॉन्ग आना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। फिजिक्स के अंदर तो लाजमी होता है कि हर क्वेश्चन के साथ एक पार्ट न्यूमेरिकल का है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ये लाजमी नहीं होता। आमतौर पर मतलब मोस्टली जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, लेकिन ये 6 न्यूमेरिकल्स हैं। इन 6 न्यूमेरिकल्स को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी के लिए इन न्यूमेरिकल्स को भी और एग्जाम्पल्स को भी अच्छे तरीके के साथ प्रिपेयर कर लें। अगर आपको ये स्कीम, ये तरीका पसंद आया है तो आपने कमेंट्स के अंदर मुझे राइट करके भेजना है, ताकि जो चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनके लिए भी इस तरह का लेक्चर जो है वो रेडी करके उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाए। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, ये आपके कमेंट्स से हमें अंदाज़ा होगा कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने इसको समझा है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।